गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, आप लोग को उत्सर्जन चैप्टर का पहला वीडियो दे दिया गया था। जो बच्चे पहला वीडियो नहीं देखे हैं वो जरूर से जरूर देख लें। आप लोग को पहला वीडियो में उत्सर्जन के बारे में पढ़ाया लिखाया गया, उत्सर्जन जित पदार्थ के बारे में पढ़ाया गया और लिखाया गया, और उत्सर्जित पदार्थों में कौन कौन पदार्थ होता है और कौन प्रमुख होता है उसके बारे में पढ़ाया गया और लिखाया गया। कुछ पौधों के बारे में पढ़ाया गया था लेकिन उसमें लिखाया गया नहीं। तो इस वीडियो में पौधा से संबंधित कुछ बात किया जाएगा, उत्सर्जन पर और उसके बारे में लिखाया जाएगा। इस बात को आज ध्यान में रखना। दूसरा है, आप लोग को पढ़ना है उत्सर्जन अंग, उसके बारे में पढ़ना है और फिर लिखाया जाएगा। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है अमीबा में उत्सर्जन क्रिया कैसे होती है, वह कौन से पदार्थों का ऑक्सीकरण करता है और उसके फलस्वरूप क्या उत्सर्जित पदार्थ बनता है, जो किस प्रकार निष्कासन होता है। क्योंकि इसके निष्कासन के लिए अलग से अंग नहीं होता है, क्योंकि एक कोशिकीय जीव यानी एक ही कोशिका है। तो इसमें किस प्रकार से श्वसन होता है और उस श्वसन उपचयन के फलस्वरूप कौन से उत्सर्जित पदार्थ बनता है, उसका निष्कासन कैसे होता है, इसके बारे में पढ़ना। इसके बाद हम लोग को केचुआ से संबंधित बातों के बारे में पढ़ना है। केचुआ आप जानते होंगे, मिट्टी गोबर कीचड़ में एक जीव होता है, आप लोग उसे चेरा कहते हैं, लेकिन साइंस के भाषा में उसे केचुआ कहा जाता है। यह एनिलिडा समुदाय का सबसे बड़ा जीव है, सबसे बड़ा प्राणी है। यानी केचुआ जिस समुदाय का जीव है, आप याद रखेगा कि केचुआ एनिलिडा समुदाय का जीव है। तो ये अपने समुदाय का सबसे बड़ा प्राणी है, सबसे बड़ा जीव है, सबसे बड़ा सदस्य माना जाता है। तो आज हम इस केचुए से संबंधित बातों की जानकारी करेंगे। इतना बात को बता दिया गया है, अब इन सभी बातों पर पहले ध्यान से प्रकाश डालेंगे यानी वर्णन करेंगे, पढ़ाया जाएगा और फिर विद्यार्थी उसको आपके सामने लिखा जाएगा। आइए हम आपको पहले पेड़ पौधों में लेकर चलते हैं, यानी पेड़ पौधों से संबंधित बातों की जानकारी आपको बता रहे हैं। पौधों में उत्सर्जन की क्रिया तो होती है लेकिन उस क्रिया को वास्तविक उत्सर्जन नहीं कहा जाता है। मैंने इस बात को पहले वाले वीडियो में भी बताया कि पौधे में वास्तविक उत्सर्जन क्रिया नहीं होती है, क्योंकि पौधों में उपापचय क्रिया के फलस्वरूप जिस पदार्थ का बनना होता है उस पदार्थ में नाइट्रोजन युक्त अमोनिया युक्त पदार्थ नहीं होती है।
और यदि एनएच की उपस्थिति नहीं रहेगा तब उस पदार्थों को उत्सर्जित पदार्थ नहीं कहा जाता। विद्यार्थी पौधे में उपापचय क्रिया के फलस्वरूप, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के फलस्वरूप ग्लूकोज बनाता है, शर्करा बनाता है, कार्बोहाइड्रेट सबका अनुसूत्र C6H12O6 होता है। तो C6H12O6 बनता है और इसमें के बाद उसी में H2O वाष्प बनता है और उसी में O2 बनता है ऑक्सीजन, जो वायुमंडल में मुक्त हो जाती है और वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन के अनुपात को वह मुक्त ऑक्सीजन संतुलित रखता है। लेकिन जो H2O है जल वाष्प है, जो वाष्प है वो वायुमंडलीय ताप को अवशोषित करता है जिससे वायुमंडल ताप वायुमंडल में नियंत्रित रहता है। यानी पेड़ पौधों में जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो उससे मुक्त ऑक्सीजन वायुमंडल में CO2 और O2 का कंट्रोल करता है, दोनों का अनुपात को स्थिर रखता है, नियंत्रित रखता है, परिवर्तित होने से बचाता है। और जो H2O वाष्प उत्पन्न हो रहा है वो वायुमंडल में ताप को नियंत्रण करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। और इसमें जो C6H12O6 बना वो पौधे के भोज्य पदार्थ के रूप में पौधे की पत्तियों में, फलों में, तनाओं में मुख्य रूप से उसके पोषक पदार्थ के रूप में संचित हो जाता है। जब हम उन पौधों को सेवन के रूप में, भोजन के रूप में लेते हैं, चाहे उसका फल हो, फूल हो, बीज हो, तना हो, शाखा हो, तो वह पोषक पदार्थ हमारे शरीर में उपस्थित हो जाता। आज इस कोरोना काल में कहा जाता है कि आपको विटामिन सी युक्त वाले भोजन को अवश्य लेना चाहिए और ये विटामिन सी का जो स्रोत बताया जा रहा है, जो आपको कम दाम में मिल रहा है, सस्ते में आसानी से उपलब्ध हो रहा है, वो है नींबू। इसका मतलब है कि पौधे में जो फल है नींबू, उसमें विटामिन सी उस फल में संचित हुआ और यदि हम उसको सेवन करते हैं भोजन के रूप में, खाद्य पदार्थ के रूप में, तो वह विटामिन सी हमारे शरीर में प्रवेश करता है। तो विद्यार्थी यह पोषक पदार्थ, भोज पदार्थ पौधे के लिए लाभ के लिए और साथ साथ मनुष्य के लाभ के लिए, जंतुओं के लाभ के लिए है। इसलिए जितने भी पौधे में उपापचय क्रिया के फलस्वरूप पदार्थ बनते हैं वो जंतुओं के लिए सभी के सभी लाभदायक है, सभी के सभी लाभदायक है। आप लोगों को पीछे वाले वीडियो में बताया था कि किसी पौधे से पत्तियां, छाल, फूल, फल, दूध, कई एक ऐसी चीज निष्कासित होता है, निकलता है, जिसे उत्सर्जित पदार्थ के रूप में कहा जाता है। लेकिन ये उत्सर्जित पदार्थ है नहीं, क्योंकि किसी में भी अमोनिया की उपस्थिति नहीं है। इसलिए ये सभी पदार्थ जंतुओं के लिए लाभदायक है और जंतुओं के जो उत्सर्जित पदार्थ है वो पौधे के लिए भी लाभदायक है। आप अनुमान करते हैं कि जिन खेतों में पशुओं का गोबर, मल मूत्र को डाला जाता है, फसल उत्पादन अधिक होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो पशुओं का जो मल मूत्र है वो तो उत्सर्जित पदार्थ है ना,
वो पौधे के लिए लाभदायक पदार्थ बन गया। जंतुओं का भी मलमूत्र, मनुष्य का भी मलमूत्र, जंतु बोल दिया गया तो मनुष्य को भी। आप गौर कीजिएगा, यदि आप ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं तो अपने परिसर में देखिएगा, परिसर मतलब आसपास में देखिएगा, तो जिस खेतों में मनुष्य का मल मूत्र ज्यादा है उसका फसल उत्पादन बहुत ढंग से बहुत अत्यधिक है, क्योंकि मलमूत्रों में सबसे ज्यादा मात्रा यूरिया का होती है और हम लोग फसलों में भी ज्यादा उर्वरक डालते हैं तो यूरिया, इसलिए मलमूत्रों को, ये जंतुओं का जो मलमूत्र है पौधे के लिए काफी लाभदायक है। आप कभी गौर करते होंगे यदि ग्रामीण क्षेत्रों की वरिष्ठ महिलाएं जिसको दादी मां बोलते हैं, यदि वो अपने बगीचे में जाते हैं, खेत में जाते हैं, बाड़े में जाते हैं, बगल वाले खेतों में जाते हैं, तो वो अपना नाक हाथ पे रखे और नीचे साड़ी हाथों में, ताकि कोई गंदा हाथ में नहीं पैर में न लग जाए। वो एकदम चलेंगे ठुमक ठुमक कर करके, मुंह से बका बक गाली देते हुए, इतना गाली, इतना गाली जिसका कोई वर्णन नहीं। लेकिन उस खेत का यदि फसल उत्पादन हुआ तो बड़ी मजेदार, मन खुश हो जाता है। जितना दुख उस समय गंदा को देख कर हो रहा था, लेकिन उसका फसल उत्पादन अधिक होने पर मन खुश हो जाता है, क्योंकि उसमें मनुष्य का मल मूत्र, जंतु का मल मूत्र ज्यादा है। ग्रामीण क्षेत्रों में घरों के आसपास का जो खाली भूमि होता है उसमें बहुत अधिक मात्रा में मल मूत्र होता है, जो घर से लगभग काफी दूर में जमीन है। यदि शौचालय ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी लोग जिनके पास आर्थिक स्थिति का अभाव है या सरकार के द्वारा दिए गए योजनाओं उनके तक नहीं पहुंचा है, उनके भी घर में भी अभी भी शौचालय नहीं है, तो वो शौचालय तो ये तो उत्सर्जित पदार्थ, इसको तो नियमित दैनिक क्रिया है, इसको तो उत्सर्जित कर बाहर तो निकालना ही है, दूसरे के शौचालय में जा भी नहीं सकता है, तो उसके लिए तो खुले ही मैदान है। तो यदि वे मलमूत्र में जो पोषक तत्व है, पौधे के पोषक तत्व है, उसके ग्रहण करके पौधा काफी मात्रा में, अधिक मात्रा में फसल उत्पादन होता है। इसलिए हम लोग अपने खेतों में पशुओं का मलमूत्र को बराबर डाला करते हैं। कहने का मतलब इस बात के यह है कि जो जंतुओं का जो उत्सर्जित पदार्थ है वो पौधे के लिए लाभदायक, और जो पौधे का उत्सर्जित पदार्थ है वो जंतुओं के लिए लाभदायक, बट लेकिन पौधे के जो पदार्थ है उसको उत्सर्जित पदार्थ नहीं माना जाता, क्योंकि उसमें अमोनिया की मात्रा नहीं है। इसलिए पौधे में उत्सर्जन क्रिया होती है जिसे वास्तविक उत्सर्जन माना नहीं जाता। इस बात को 100% याद रखना है, हम आपको लिखेंगे। पौधे में जो वायु निकल रहा है, निष्कासित हो रहा है, वो वायु रंध्र से, एस्टोमाटा से, अर्थात एस्टोमाटा वह भाग है जिससे वायु का निष्कासन होता है, वायु का निष्कासन होता है, उसको हिंदी में वायु रंध्र कहते हैं। एक होता है वात रंध्र, अंग्रेजी में लेंटी सेल कहते हैं। तो वह भाग जिससे वाष्प का निष्कासन होता है, H2O जल वाष्प का निष्कासन होता है, उसे हम लोग लेंटी सेल कहते हैं। यहां तीन बात को मैं लिख रहा हूं, आप गौर कीजिएगा।
पौधों में वास्तविक उत्सर्जन नहीं होता, पौधे में वास्तविक उत्सर्जन नहीं होता। एकदम बातों को ध्यान में रखिए। अगला पॉइंट, पौधों से निकलने वाला पदार्थ चाहे वो छाल हो, चाहे वो फूल हो, चाहे वो फल हो, चाहे वो दूध हो, चाहे वो लैक्टेस हो, इत्यादि को उत्सर्जित पदार्थ नहीं कहा जाता है। पौधों से निकलने वाला पदार्थ चाहे वो छाल हो, चाहे फूल हो, फल हो, दूध हो, है ने इत्यादि को उत्सर्जित पदार्थ नहीं कहा जाता है। और मैंने बताया पौधे से निकलने वाला पदार्थ जंतुओं के लिए लाभदायक होता है। पौधों से निकलने वाला पदार्थ, उपउत्पादक भी कहते हैं पदार्थ, पौधों से निकलने वाला पदार्थ जंतु के लिए लाभदायक होता है। ठीक है विद्यार्थी, अब जंतु के उत्सर्जित 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 पदार्थ जंतु के उत्सर्जित पदार्थ पौधों के लिए लाभदायक होता है। यानी जो जंतुओं के उत्सर्जित पदार्थ है विद्यार्थी, वो पौधों के लिए लाभदायक है, और जो पौधों से निकलने वाला पदार्थ है वो जंतुओं के लिए लाभदायक है। इसके बाद आप लोग को ये बात को हम लोग अभी बता रहे थे कि पौधा और जंतु से बात हम लोग को चल रहा था, है ना। इसमें उत्सर्जित पदार्थ के रूप में, उत्सर्जन क्रिया के रूप में पौधों में तो होती है, लेकिन इसके वास्तविक उत्सर्जन नहीं माना जाता। आप ये चारों टॉपिक को ध्यान से स्पष्ट रूप से समझ लें, देख लें। पौधों में वास्तविक उत्सर्जन नहीं होता है, पौधों से निकलने वाला पदार्थ चाहे वो छाल हो, फूल हो, फल हो, दूध हो, लैक्टेस कुछ भी हो, तो इत्यादि को उत्सर्जित पदार्थ नहीं माना, नहीं कहा जाता है। पौधों से निकलने वाला पदार्थ जो होता है जंतु के लिए लाभदायक होता है, और जंतु से निकलने वाला उत्सर्जित पदार्थ जो होता है ने वो पौधों के लिए लाभदायक होता है। समझ रहे विद्यार्थी, इस बातों को आपने पढ़ा, ध्यान दिया। और मैं एक बात लिखा रहा हूं, है वायु का निष्कासन जिस भाग से होता है, वायु यानी ऑक्सीजन जिसको कहेंगे, वायु का निष्कासन जिस भाग से होता है, जिस भाग से होता है उसे वायुरंध्र या अस्टोमाटा
कहते हैं। समझा दिया जी, वायु या ऑक्सीजन का निष्कासन प्रकाश संश्लेषण क्रिया के फलस्वरूप का निष्कासन जिस भाग से होता है उसे वायुरंध या स्टोमाटा कहते हैं। अब देखिए विद्यार्थी, छाल है, फूल है, फल है, दूध है, और ये भी तो निष्कासन होता है, ऑक्सीजन, वातरण, तो इत्यादि ध्यान ले दिया गया। पौधे से जो भी चीज आप लोग के लिए लाभदायक है उनमें से किसी को उत्सर्जित पदार्थ नहीं माना जाएगा और वो सभी पदार्थ जंतु के लिए लाभदायक है। समझ रहे विद्यार्थी इस बात को। अगला मैं लिखूंगा, ये वायु हुआ, जलवाष्प यानी H2 का निष्कासन जिस भाग से होता है उसे वातरंध या लेंटिसेल कहा जाता है या कहते हैं। इस बात को आप पढ़ लीजिए, है ना। इसके बाद मिटाते हैं। देखिए विद्यार्थी जी, अगला बात, वाष्प ब्रैकेट में H2O का निष्कासन जिस एसआई पौधे में है जिस भाग से होता है उसे वाक्य रंध या लेंटी सेल कहते हैं। तो ये सभी पौधे का भाग है विद्यार्थी, है ना। इन सभी बातों को आप ध्यान में रखिएगा। मैंने ये सारी बात अभी आप लोग को पौधा से और जंतु से तुलना कर रहे थे कि जो पौधे के लिए लाभदायक है वो जंतु से रिलेटेड था और जो जंतु के लिए लाभदायक है वो पौधे से रिलेटेड था। तो ये बात हम लोग को सिर्फ पौधा में चल रहा था और जंतु में चल रहा था। और मैं आगे अभी क्वेश्चन बोले थे आप लोग को, उत्सर्जन अंग, ये तो हो गया था उत्सर्जन, नहीं ये नहीं हुआ था, उत्सर्जित पदार्थ हुआ था उत्सर्जन अंग, उत्सर्जन अंग अंग किसे कहते हैं। उत्सर्जन अंग, ध्यान दे दिया थी आप लोग को, बताए थे हमारे शरीर का यदि बात करेंगे तो अपने शरीर से तुलना कीजिएगा कि हमारे शरीर का वह अंग जिससे उत्सर्जित पदार्थ निकलता है, तो ये आपका शरीर से रिलेटेड हो, केवल मनुष्य के शरीर से रिलेटेड होगा। और यही बात यदि मनुष्य से रिलेटेड बात को नहीं करेंगे, सामूहिक रूप से करेंगे, चाहे कोई भी जीव जंतु पेड़ पौधा कुछ भी हो, तो सिर्फ वो बोला जाएगा कि उत्सर्जन की क्रिया के फलस्वरूप बनने वाले हानिकारक पदार्थ जिस अंग कोशिका उत्तक अंगतंत्र से निष्कासन होता है उसे क्या कहेंगे, उत्सर्जन अंग कहेंगे। समझ रहे बात, तो ये ऐसे लिखेंगे, यहां पर सभी को बोध हो जाएगा कि उत्सर्जन उत्सर्जन क्रिया के फल स्वरूप बनने वाला व्यर्थ पदार्थ जिस या अंग लिखा हुआ जिस अंग से निकलता है निष्कासित
होता है, होता है उसे उत्सर्जन अंग कहते हैं। मनुष्य के उत्सर्जन अंग अंग निम्न है। पहला में आप फेफड़ा, दूसरा में आप त्वचा, इससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, इससे पसीना निकलता है, तीसरा नाक, चौथा कान, पांचवा आंख, छठा मूत्र मार्ग, आगे पढ़ाएंगे, सातवां मल द्वार, फेफड़ा, त्वचा, नाक, कान, आंख, मूत्रमार्ग, मल द्वार, ये सभी मनुष्य का उत्सर्जन अंग माना जाता है। आप गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, निष्कासित करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो किससे निष्कासित होता है, तो फेफड़ा से। आपने बायोलॉजी का पीछे फेफड़ा का सचित्र वर्णन पढ़ा था, वहां गौर से देखिएगा, वहां पर एक थ्योरी पढ़ाया गया होगा गैसीय आदान प्रदान, वहीं पर इसका जो वर्णन किया गया कि किस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की ओर निष्कासित। त्वचा, आपके शरीर के सारे त्वचाओं से पसीने का निष्कासन होता है, तो पसीना भी उत्सर्जित पदार्थ है। नाक से कफ का निष्कासन होता है। एक और लिख लीजिए, आठवां मुंह है ने, नाक से बहुत सारे गंदगियां को बराबर आप लोग निकालते रहते हैं, ये भी उत्सर्जित पदार्थ है। आंख से भी हम लोग गंदगी को निकालते रहते हैं, है ने, मूत्र मार्ग जिससे मूत्र का निष्कासन होता है, मल द्वार जिससे मल का निष्कासन होता है, मुंह थूक खखार इत्यादि का निष्कासन, कफ का निष्कासन होता रहता है। यानी ये सभी जो है मनुष्य का उत्सर्जन अंग माना जाता है, है विद्यार्थी। और इसके अलावे भी है, एक यकृत भी है उत्सर्जन क्रिया के लिए, तो ये सब प्रमुख माना जाता है विद्यार्थी। इसके अलावे भी अलग अलग जीवों में, अलग अलग समूह में, अलग अलग वर्गों में अलग अलग प्रकार का उत्सर्जन अंग होता है। मैं आप लोग के सामने कुछ जीव उसके समुदाय के नाम लिखेंगे और उसका उत्सर्जन अंग लिखेंगे, देखिएगा आपके सामने। तो देखिए विद्यार्थी, आपने इसको पढ़ लिया, मैं आप लोग को कुछ जीवों के समुदाय के बारे में बताएंगे और फिर उसका उत्सर्जन अंग अंग के बारे में बताएंगे और फिर उसके बारे में लिखेंगे। आप पहले ध्यान से सुनिएगा, इसके बाद ध्यान से देख लिखेंगे तो देखिएगा, है ना। आइए मैं आप लोग को बारी बारी से इन सब चीजों के बारे में बताते हैं। जीवों का समुदाय है, नाइन्थ क्लास में है, नीलिडा समुदाय, अर्थोपोडा समुदाय, इकुडाटा समुदाय, मोलस्का समुदाय, ये सभी समुदाय के बारे में पढ़ा होगा। उन सभी प्रकार के समुदायों में कौन कौन से उत्सर्जन अंग होता है उसके बारे में आप लोग नाइन्थ क्लास में पढ़े होंगे, याद होगा तो अपने अपने बातों को याद रखेगा। प्रोटोजोआ का नाम सुना होगा विद्यार्थी जी, प्रोटोजोआ का नाम सुना होगा विद्यार्थी, उसमें जो उत्सर्जन अंग है विद्यार्थी, तो प्रोटोजोआ एक कोशिकीय के अंतर्गत आता है विद्यार्थी, है ने? तो प्रोटोजोआ में उसके लिए अलग से कोई भी अमीबा, पैरामीशियम, प्रोटोजोआ, ये सब में विद्यार्थी अलग से कोई अंग नहीं होता है। तो बल निकलता है कैसे सर? इसमें उत्सर्जित पदार्थ विसरण क्रिया के द्वारा निकलता है। किस क्रिया के द्वारा?
विसरण क्रिया। अब हम आपको एक विसरण क्रिया के उदाहरण बताते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा। हम लोग मिट्टी के बर्तन यानी घड़ा, चूका ढकनी का नाम सुना होगा, उसमें पानी रख देते हैं। आप गौर कीजिएगा तो पानी गिरता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है, नहीं दिखाई पड़ रहा है। आप कुछ घंटे दिनों के बाद, एक दिन दो दिन के बाद देखिएगा कि यदि आप घड़ा में पानी आधे दूर तक रखे हैं, गौर कीजिएगा इस बात को, है ने, घड़ा में पानी यदि आधे दूर तक रखते हैं विद्यार्थी जी, है ने, आधी दूर तक रखते हैं घड़े में पानी, तो आप देखिएगा इसका नीचे वाला भाग बिल्कुल गीला है, भींगा हुआ है ने, ये बर्तन को पूरा भाग नहीं ढके हुए है ने, आधा दूर तक पानी मैंने रखा घड़ा में, तो आधा भाग में देखते हैं भींगा हुआ है और आधा भाग आपका ड्राई। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना सतह तक पानी था उतना सतह तक रीस रीस कर करके, जिसको कहते रीसना पसीजना, हम उसको साइंस के भाषा में बोलते हैं विसरण क्रिया। ये विसरण क्रिया के द्वारा इन्हें बाहर की ओर जल के सूक्ष्म कण बाहर निष्कासित होती है, क्योंकि ये जो घड़ा है ये मिट्टी की बनी है और ये मिट्टी जो है यहाँ पर ठोस पदार्थ है। 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि ठोस पदार्थों के अंतराणवी का स्थान बहुत बहुत कम होता है, नगण होता है, और इसी के कारण ये दृढ़ होते हैं, कठोर होता है। तो विद्यार्थी इसका अंतराणवी का स्थान इतना कम है जो हम लोग स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं, परंतु जल के अति सूक्ष्म कण जो होता है कुछ घंटों के बाद कुछ दिनों के बाद यह बाहर की ओर घड़ा भींगा हुआ दिखाई पड़ता है। तो यह विसरण क्रिया के द्वारा जल के सूक्ष्म अणु अंदर से बाहर की ओर आती है। तो विद्यार्थी जी प्रोटोजोवा में अमीबा में ये सभी जीवों सभी एक कोशिकीय में विसरण क्रिया के द्वारा उत्सर्जित पदार्थ बाहर की ओर निष्कासन होता है। याद रखिएगा यह नाम नहीं है बल्कि यह क्रिया है। अब अमीबा का बात करते हैं तो अमीबा तो एक कोशिकीय है, तो एक ही कोशिका है ये, तो एक ही कोशिका से वह श्वसन की क्रिया भी करेगा और उत्सर्जन की भी क्रिया करेगा, तो वह आपको विसरण के द्वारा बाहर निकलता है, ना कि श्वास लेने और छोड़ने के क्रम में। तो विद्यार्थी आपको ये याद रहेगा। इसके अलावे भी है पोरीफेरा समुदाय, ये समुदाय का नाम है, इसमें भी विसरण क्रिया के द्वारा उत्सर्जित पदार्थ बाहर निकलता है। इसके अलावे विद्यार्थी जी एक आता है चपटे कृमि, एक आता है गोल कृमि, चपटे कृमि और एक गोल कृमि। तो चपटे कृमि का जो कोश श्वास उत्सर्जन अंग है विद्यार्थी जी, चपटे कृमि का जो उत्सर्जन अंग होता है विद्यार्थी, वह फ्लेम कोशिकाएं होता है, क्या होता है, फ्लेम कोशिकाएं। और जो गोल कृमि होता है विद्यार्थी, उसका श्वसन अंग जो होता है विद्यार्थी रिनेट होता है, रिनेट क्या होता है, रिनेट। तो इस प्रकार से हम आगे लिखते हैं, है रिनेट कोशिका के द्वारा, है ने, ये होता है गोल कृमि में। गोल कृमि में आपको श्वसन अंग का नाम है रिनेट कोशिका के द्वारा, यानी रिनेट कोशिका जो है विद्यार्थी गोल कृमि का श्वसन अंग है। चपटे कृमि का जो श्वसन अंग है विद्यार्थी, वह फ्लेम कोशिका है, बहुत फ्लेम है ने। तो ये विद्यार्थी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सब चीजों को याद रखिएगा। इसके अलावे भी विद्यार्थी और भी बातें हैं, है ने, जो श्वसन के लिए श्वसन अंग अनिवार्य है क्योंकि ये उत्सर्जित पदार्थ है। अब हम आ जाते हैं एनिलिडा समुदाय, जिसका बात मैंने पहले कर चुके हैं कि एनिलिडा समुदाय का ही केचुआ सबसे प्रमुख जीव है। हम आपको केचुआ के बारे में पूर्णतः डिटेल से पढ़ाएंगे, लेकिन आइए याद रखिएगा एनिलिडा समुदाय का कोई भी जीव हो तो उस जीव का श्वसन अंग निफ्रिडिया है। क्या है, निफ्रिडिया है। केचुआ में जो निफ्रिडिया होता है विद्यार्थी 14वें खंड के पीछे पाया जाता है, और 3 प्रकार के निफ्रिडिया होती है। जब मैं केचुआ पढ़ाऊंगा तब तो उसका बारे में और डिटेल से करेंगे। तो याद रहे विद्यार्थी कि जो प्रोटोनिफ एनिलिडा समुदाय विद्यार्थी
जो ये निडा समुदाय है उसका श्वसन अंग का नाम हो गया निफ्रिडिया। क्या हो गया? निफ्रिडिया। और इसके अलावे भी विद्यार्थी, निडा समुदाय के बाद आता है मोलस्का समुदाय। मोलस्का समुदाय का भी श्वसन अंग का नाम है निफ्रिडिया। मोलस्का समुदाय का भी श्वसन अंग का नाम है विद्यार्थी भी निफ्रिडिया। तो अभी आप लोग यह सुन रहे हैं कि जीवों का समुदाय का नाम और श्वसन अंग, जीवों के समुदाय का नाम और उसके श्वसन अंग। तो हम वही चीज लिखेंगे, क्वेश्चन बना देंगे कि जंतु के परिवार समूह है, जंतु के परिवार और उसके उत्सर्जन अंग का नाम लिखे। ठीक है जी? तो एक दिन जंतु या जीव के परिवार लिखेंगे और एक तरफ उसका उत्सर्जन अंग, ताकि आपको याद रखने में बहुत अच्छा लगेगा। है जंतु के परिवार और उसके उत्सर्जन अंग निम्न निम्न यानि अलग अलग है। देखिए जंतु के परिवार और एक उत्सर्जन अंग का नाम प्रोटोजोआ, इसमें विसरण क्रिया द्वारा दूसरा चपटे कृमि फलेन कोशिका द्वारा तीसरा गोल कृमि रिनेट कोशिका द्वारा चौथा एनिलिडा नेफ्रिडिया एनिलिडा अमीबा विसरण क्रिया द्वारा तो ये था विद्यार्थी है ने कुछ जीवों का नाम और उसके अलावा उत्सर्जन अंग। एक और लिख देते हैं मोलस्का, ठीक है मोलस्का, इसमें भी आपको निफ्रिडिया के द्वारा है ने ऑर्थोपोडा एक होता है, ऑर्थोपोडा जिसका माल की जाए कि नलियां ऑर्थोपोडा बहुत इंपॉर्टेंट है, माल पी जाई की नलियां। ये बराबर एग्जाम में पूछते रहता है विद्यार्थी जी, फिर से मैं पढ़ देता हूं सब। प्रोटोजोआ में विषण की क्रिया द्वारा या कोशिका भित्ति के बाहर कोशिकाओं में
विषण क्रिया के द्वारा बाहर निकलता है, और एक चपटे कृमि में फ्लेम कोशिका के द्वारा, गोल कृमि में रिनेट कोशिका के द्वारा, ये दोनों में कंफ्यूज हो जाता है, जरा ध्यान रखिएगा। एनिडा समुदाय और मोलस्का समुदाय दोनों को निफ्रिडिया होता है, याद रखिएगा, है ना। और अमीबा में भी विषण की क्रिया द्वारा होता है। ऑर्थोपोडा, इसके बारे में बराबर पूछते रहता, ऑर्थोपोडा का श्वसन, ऑर्थोपोडा समुदाय का श्वसन उत्सर्जन अंग क्या है, उत्सर्जन अंग क्या है, तो माल की जाएगी नलियां, ये सब बात को याद रखना है ने? अब हम लोग को आगे पढ़ना है अमीबा के बारे में, आप इसको फिर से देख लीजिए 10 सेकंड। तो देख लिए विद्यार्थी, आइए हम आप लोग को अमीबा के बारे में बताते हैं। आप जानते हैं पहले से भी कि अमीबा एक कोशिकीय जीव, ये 9th क्लास में भी पढ़ा है। तो अमीबा क्या है, एक कोशिकीय जीव जिसका आकार अनियमित होता है। कब इसका आकार बदल जाएगा, कैसा हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बायोलॉजी में सबसे आसान फिगर बनाना है तो अमीबा का, आप कैसु कैसु हाथ घुरवा दीजिए, अमीबा का फिगर बन गया। यानी कोई बच्चा घिसता है कॉपी किताब पर तो समझ जाइए वो अमीबा का फिगर बन गया। इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है अमीबा, है ना विद्यार्थी। तो ये अमीबा जो है एक कोशिकीय जीव है ना, जिसका आकार अनियमित होता है। यह जो है विद्यार्थी अक्सर लवण विहीन जल में ज्यादा कहलाता है, लवण विहीन जल में यह ज्यादा करके रहता है। तो यह लवण विहीन जल इसका मुख्य रूप से आवास है जिसको आप फ्रेश वाटर कहते हैं, है ना। और यह फ्रेश वाटर में रहकर श्वसन की क्रिया करता है, पोषण की क्रिया करता है, और इसके शरीर में परिवहन की भी क्रिया होता है। एक कोशिकीय जीव लेकिन सभी प्रकार का क्रिया होता है, प्रजनन की भी क्रिया होता है। जब हम लोग प्रजनन चलेंगे तो वहां पर भी बताया जाएगा। तो यह लवण विहीन जल में रहता है। यह विद्यार्थी कि इसका जो उत्सर्जित पदार्थ होगा NH3CO2, तो आप लोग को बताए थे विद्यार्थी कि यदि उत्सर्जित पदार्थों में से अमोनिया है तो बहुत अच्छी की बात है, बहुत अच्छे की बात है, क्योंकि जब तक उत्सर्जित पदार्थों में अमोनिया नहीं पाया जाएगा तब उसे उत्सर्जित पदार्थ नहीं कहा जाता है। अतः उत्सर्जित पदार्थ NH3 इसमें है। यह जो है लवण विहीन जल में रहकर एमिनो अम्ल के ऑक्सीकरण करता है। कौन सा अम्ल का, एमिनो अम्ल का ऑक्सीकरण करता है। और एमिनो अम्ल का जब ऑक्सीकरण करता है, उपचयन करता है, उपापचय होता है, तब CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया बनता है, जो इसके शरीर से, इसकी कोशिका से विषण क्रिया द्वारा बाहर निकलता है। मैंने अभी नीचे लिखा था, पीछे वाले वीडियो पीछे पीछे जो मिटाया गया उसमें लिखा गया होगा कि अमीबा में उत्सर्जित पदार्थ जो होता है किससे निकलता है, तो उसके लिए अलग से अंग नहीं था बल्कि क्रिया था। याद रखिएगा, अंग के समुदाय में हम लिखा, लेकिन विद्यार्थी जी वो अंग नहीं था बल्कि उसमें विषण क्रिया द्वारा बाहर निकलता है। कोशिका भित्ति की बाहरी सतह से विषण होता है तब वो बाहर निकलता है। तो याद रहे कि अमीबा एक कोशिकीय जीव है जिसका आकार अनियमित होता है,
यह लवणविहीन जल में रहता है जो एमिनो अम्ल का ऑक्सीकरण करता है। इसके ऑक्सीकरण से कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया बनता है। अमोनिया को उत्सर्जित पदार्थ कहा जाता है। यह उत्सर्जित पदार्थ उसके शरीर से, उसके अंग से, उसके कोशिका से विसरण क्रिया के द्वारा बाहर निकलता है। तो विद्यार्थी, ये सभी बातों को अगले वीडियो में लिखाया जाएगा। इस बातों को याद रखिएगा, आप लोग को याद रखना है। अमीबा का वर्णन करें, अमीबा के बारे में 5 लाइन लिखें। अमीबा के बारे में जो आप अमीबा के बारे में जानते हैं, अमीबा क्या है, कैसे रहता है, क्या खाता है, क्या पीता है, कहाँ रहता है, कहाँ जाता है, इसके बारे में आपको 5 लाइन लिखना है। तो होमवर्क रहे, याद रहे। अमीबा के बारे में 5 पंक्ति लिखें। आप लोग को अमीबा के बारे में 5 पंक्ति लिख करके भेजना है, जो आप अमीबा के बारे में जानते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। फिर हम लोग अगले दिन अमीबा, केचुआ के साथ मनुष्य में उत्सर्जन की क्रिया पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को चैनल की ओर से जय हिंद। Thank you.